नमस्कार, मैं प्रताप सिंह आजाद, आप देख रहे हैं जनपद टाइम्स सच के साथ। कर हम जहां खड़े हुए हैं वहां एक पीड़ित परिवार है जिनको अपने घर में भी रहने के लिए नहीं मिल रहा है और काफ़ी टाइम से परेशान है। इन्होंने पुलिस पे भी मदद मांगी है लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पूछते हैं इनसे क्या परेशानी है इनको। हम आता क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हो रही है के आएगा रात को मात और दाव देते हमें घर से बाहर निकाल देते। उनके परिवार बहू और बाकी साहब बाकी जाके लल्लू की सास और बाकी घर वाले बहू के घर वाले घर पे आकर रहते हैं। क्या नाम आपकी होगा? अंजलि। और यहाँ का नाम अंजलि है और पियर का नाम पूनम है। हाँ, तो आपको क्यों दाव देते हैं, वो क्या कारण है? पैसे मांगते हैं। पैसे किस चीज़ के मांगते हैं? के मेरे मैंने 100 गज जमीन दो और पैसे दो खेत में थे। हमने माए लड़का के कहा जमीन दो, मुर्गी फार्म बनवाएंगे और नहीं आवाज तेरे लड़का को मार देंगे, ऐसा कहते हैं। मतलब हाँ, टैटिया पकड़ते हैं सोते के लड़का के आए के उसके घर वाले उसका सारा हाँ चीज के निकाल के लगे ट्रंक करने। तो अभी आप लोगों को घर से जो उन्होंने निकाला हुआ है, अब आपके घर पे कौन रह रहा है? उनके घर वाले, उनकी लड़की के घर वाले, लड़की रह रही है और उनकी और उनकी माँ रह रही है। उन्होंने मतलब हाँ, अपने आपके घर पे कब्जा कर लिया और कब्जा कर घूम रहे हैं। हाँ, हम 3 दिन से बाहर हैं भूखे प्यासे। तो आप क्या हाँ, चाहते हैं प्रशासन से, पुलिस? हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे। ठीक। घर से बाहर निकल। हाँ, क्या नाम है आपका? रिंकू। रिंकू, मेरी कहाँ रहते हो? कृष्णा कॉलोनी कोटली बगीची देवी रोड आगरा से। देवी रोड आगरा। तो क्या दिक्कत आ रही है, परेशान जो घर में आप लोग नहीं रह पा रहे हो, क्या है परेशानी? मेरी वाइफ और उनके घर वाले हैं आज दिन रोज का कलेश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। मेरी माँ पे हाथ थप्पड़ मारती है, मुझ में मारते हैं और कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए 8 लाख रुपया, हमें तुम्हारे साथ में नहीं रखनी लड़की, अब हमें हमारा हिसाब कर दो, हमें रखना नहीं है। और नाटक करते हैं आज दिन को, और घर से चोरी कर ली सारी चीज़ें हमारे घर से, गाड़ी का लॉक टूटा हुआ है, गाड़ी को चोरी करके ले गए घर से। गाड़ी को कब ले गए? गाड़ी को कल ले गए थे सर। गाड़ी को भी कल ले गए हैं जब उन्होंने आपके घर पे कब्जा करा, आप लोग बाहर आए उसके बाद आपकी गाड़ी को वहाँ से गायब कर दिया। हाँ, कल रात को मैं सो रहा था, 11 बजे आके फ़ोन किया अपनी मेरी वाइफ ने कि वो आ गया, सो रहा है, जल्दी आ जाओ आप। मेरा पीछे से तकिए से मुंह बांध के डालने के पीछे पकड़ लिया था और गेट का लॉक लगा दिया, ताला लगा दिया था। मैं गेट को उछाल के पीछे लौट के घर से भाग गया था और मुझे मारने की धमकी दी है कि तू बचेगा नहीं तो ये मार देंगे, और गंदी गंदी गाली देती है मेरी औरत, मेरे साथ में बहुत गलत करती है, और कल कॉलर को पकड़ के मेरे को मारती है, बहुत दूर तक मचाती है। तो उनके यहाँ जो परिवार में से आते हैं वो कौन कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? नीरज आता है और उसका मौसी का लड़का आकाश है और उसके दोस्त यार आते हैं, कम से 15-20 जन लड़के आते हैं और बहुत ही गंदी गंदी गाली गलो करते हैं, तेरी बहन वो कर देंगे ये कर देंगे, उल्टी सूधी बाल करते हैं हमसे और तेरी बहन को नहीं रहने देंगे, ये वो उल्टा सूधा लफ्ज बोलते हैं। सर मेरी तो ज़िंदगी ख़राब होगी शादी करके। तो अभी आपने पुलिस को शिकायत की? सर पुलिस के कल भी गया तो आज भी गया था, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। मतलब अभी तक पुलिस की कोई सहायता तो मैं नहीं मिल पाई, और घर हमारा अभी खाली नहीं हुआ है, कभी वही गुंडों भरे हुए हैं और भाई ससुराल वाले वो तो मचा रखा है। एक जो पीढ़ी परिवार है इनकी गुहार है पुलिस प्रशासन से कि इनकी मदद की जाए, इनके घर में इनको एंट्री दिलवाई जाए और जो लोगों ने कब्जा कर रखा है उन्हें वहाँ से भगाया जाए। इनके साथ प्रशासन से यही मांग है। और मेरे भाई को मारने की धमकी दी गई है कि अगर वो कहीं जीत गया तो उसे जान से खत्म कर देंगे, तुम दोनों भाइयों का नाम निशान काट देंगे हम। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? संदीप नाम है उसका और मेरा छोटा भाई है। मतलब तुमसे ये कहते हैं कि उसको के ऊपर भी गलत इंजाम लगाएंगे और उसे मार देंगे? और उसे बहुत कहते हैं कि उसे साथ झूठे केस में डलवा देंगे, छेड़छानी के केस, रेप केस में, और कभी जवान पैदा नहीं होगी, सड़ता रहेगा जेल में। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।